हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश, टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें। आप सभी जानते होंगे कि इन दिनों एकता कपूर के सर पर बवाल मचा हुआ है और अब एकता कपूर ने अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की देहांत से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सुशांत की आत्महत्या नहीं बल्कि उन्हें मजबूर किया गया है। उनके परिजनों ने सीबीआई जांच करने की मांग की है। यहां तक कि बिहार के मुजफ्फरपुर में करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाला, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार और दिनेश समेत 8 कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बात पे एकता कपूर बेहद नाराज है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में ब्रेक दिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो इस तरह नाम खींचे जाने के बारे में बात कर रही हैं। एकता कपूर लिखती हैं, सुशी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट ना करने को लेकर मेरे खिलाफ केस करने के लिए शुक्रिया। वो भी तब जबकि मैंने ही उन्हें लॉन्च किया था। मैं बता नहीं सकती कि ऐसी घुमावदार और पेचीदा थ्योरी को देखकर मैं कितनी दुखी हूँ। प्लीज सुशांत के दोस्तों और परिवार वालों को शांति से उनके जाने का दुख मनाने दो। सच जल्द ही बाहर आ जाएगा, इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीब दोस्त तारविस खान का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि उनके मृत्यु के 5 दिन पहले ही उन्होंने सुशांत से बात की थी। तबरेज खान ने सुशांत सिंह के साथ ही शो किस देश में है मेरा दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी। तबरेज खान ने बताया कि 5 दिन पहले ही सुशांत सिंह ने उन्हें कॉल किया था और उस समय वो उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने मिलने का प्लान भी बनाया और गुरुवार को वो सुशांत से मिलने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही सुशांत सिंह ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। तबरेज खान ने बताया कि सुशांत के इस तरह से चले जाने का उन्हें बहुत दुख है। वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि काश वो उनसे मिल पाते। अगली खबर है पारस छाबड़ा से जुड़ी, जिन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी के नाम का टैटू रिप्लेस कर दिया है और अब उनके हाथ पर बन गया है बिग बॉस की आंख। जी हाँ, पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी ने दोनों ने ही एक दूसरे के नाम को अपने हाथों पर टैटू से गुदवाया था। जहाँ आकांक्षा पुरी ने कुछ समय पहले ही इस टैटू को हटवाया है, वहीं पारस छाबड़ा ने इसे रिप्लेस कर दिया है। पारस छाबड़ा का कहना है कि बिग बॉस की आंख ने मेरी भी आंख खोल दी, इसीलिए मैंने इस टैटू को बिग बॉस के नाम अर्पित किया है। पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी का रिलेशनशिप बिग बॉस के खत्म होते होते पूरी तरह से खत्म हो गया। दोनों के बीच झड़प आज भी चल रही है। वहीं जब बात हो रही है बिग बॉस की, तो आपको बता दें कि बिग बॉस 14 का भी आगाज होने वाला है और धीरे धीरे इसके कंटेस्टेंट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि साहिल खान को भी बिग बॉस 14 से कॉल आया है। जी हाँ, वही साहिल खान जिन्हें आपने स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी फिल्म में देखा था। सालों पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर बाहर जा चुके साहिल खान एक बार फिर सुर्खियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। साहिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बिग बॉस की तरफ से उन्हें कॉल आया है, लेकिन वो इस शो को अपनाना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई रियलिटी शोज का ऑफर उन्हें आ चुका है, जिसमें बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा जैसे कई शोज शामिल है। उन्होंने बताया कि बिग बॉस जैसे शो के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह टीवी पर नहीं दिखा सकता। हालांकि साहिल ने ये कन्फर्म नहीं बताया कि उन्होंने बिग बॉस 14 को हाँ कहा है या फिर ना। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिग बॉस 14 क्या नया लेकर आता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का एक अपना ही गैंग है। हर कोई किसी को ट्रोल करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। ऐसे में श्रद्धा आर्या ने हाल ही में अपना कंट्रोल ही खो दिया। उन्होंने सोशल अकाउंट पर एक ऐसा वाक्या शेयर किया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि एक लड़की ने श्रद्धा आर्या को मैसेज करके कहा है कि वो अपने आप को मार क्यों नहीं डालती।
जी हाँ, अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने अपने सोशल अकाउंट पर इस मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और बताया है कि उन्हें एक लड़की हैरेस कर रही है। इस लड़की ने श्रद्धा आर्या को कहा है कि आप अमीर लोग हम गरीब लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। मैं चाहती हूँ कि आप मर जाएं। मैं मुसलमान हूँ और भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा। ऐसे में भड़की हुई श्रद्धा आर्या ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लोगों से सवाल किया है कि ये सब कुछ कब बंद होगा। श्रद्धा आर्या ने इंस्टाग्राम के मेकर्स को अपील की है कि वो इस तरह के प्रोफाइल को ब्लॉक कर दें जो लोगों को बुली करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।